वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष खान और वेलकम करती हूं मनीष खान वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। और आज मैं सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी हूं क्योंकि सुबह से 9 बजे से हमारी लाइट नहीं है और अभी 1 बज रहा है। आप लोग दुआ करें जल्दी लाइट आ जाए। खैर, मेरा व्लॉग तो ये आपको कल मिलेगा और इसी वजह से, लाइट ना होने की वजह से, मैं अपना आज का भी व्लॉग जो कल का व्लॉग जो है वो भी अपलोड नहीं कर सकी हूँ। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लाइट हो गए हुए और लाइट नहीं है। और अब लाइट नहीं होती तो घर में कोई काम नहीं हो पाता क्योंकि गैस नहीं आती ज़्यादा, वो भी इलेक्ट्रिक उससे ही चलती है। और हालांकि 2-3 दिन से नॉर्मली गैस आ रही थी, लेकिन जब आज लाइट नहीं है तो गैस भी नहीं आ रही है। और खैर, ये अमूमन होता है, जब भी लाइट ना हो तो गैस नहीं आती। तो अब मैं खाने की थोड़ी सी तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाए तो अल्लाह करे खाने का इंतज़ाम हो सकेगा। और आज मैंने बनाया है शवारमा, बना रही हूँ, जैसे कि उसकी ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें मैंने उसके लिए जो चिकन मैरिनेट वगैरह की थी कल, वो इसलिए की थी कि मैं उससे शवारमा बनाऊँगी। वो सब तैयार है लेकिन वो ठंडी हो रही है फ्रिज की, तो उसको गर्म करना है। और जो पीटा ब्रेड होती है उसको थोड़ा सा सेकना होता है चूल्हे पर, तो वो भी नहीं है। मैंने वेजीज काट ली हैं सारी। और अब ये देखें, मैं अब उसका शवारमे का सॉस तैयार कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैं सब चीज़ें आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि लाइट नहीं है। और इस रूम में तो थोड़ी सी लाइट है, तो चलो ये इतना क्लियरली नज़र आ रहा है। इस सॉस को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 डिश का चम्मच दही, 1 डिश का चम्मच मायोनीज और काली मिर्च थोड़ी सी, और लहसुन के 5 जवे। वो लहसुन मेरे पास पिसा हुआ था, लाइट नहीं थी तो मैंने वही डाल लिया। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा नमक, ये सब चीज़ें बहुत, और थोड़ा सा सिरका, बहुत थोड़ी थोड़ी डालनी है वरना एकदम से ये बहुत खट्टा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा ध्यान से डालना है आप लोगों ने ये। और दही को भी ज़्यादा, दही फ्रेश लेने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो खट्टा हुआ तो फिर ये सॉस इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो मैं ब्लेंड करना है इसको सबको, लेकिन लाइट ना होने की वजह से मैं हाथ से इसको बीट कर रही हूँ, ये शॉर्टकट तरीका है। तो अब मैं ये तैयार कर रही हूँ, अल्लाह करे थोड़ी सी गैस आ जाए ताकि मैं जो है वो कर सकूँ, उसका काम कर लूँ, थोड़ी सी जो ब्रेड सेकनी होती है, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग रही है और जाहिर है आज भी उठ जाएंगे तो उनको भी भूख लगेगी। अब देखो क्या होता है। और आज मुझे कपड़े भी तय करने हैं, लेकिन धुले हुए कपड़े पीछे रखे हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं होती, इतनी गर्मी होना शुरू हो जाती है और अंधेरा अंधेरा मेरा घर बंद है, तो इस वजह से मुझसे कोई काम नहीं होता क्योंकि बंद घर में बहुत घबराहट होती है। तो इसलिए बस लाइट आ जाए तो सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप किसी चीज़ को बनाने के लिए बड़े एक्साइटेड हो ना, तो बड़ी बुरी तरह ना उस एक्साइटमेंट की वर्ड लगती है। मतलब मैं इतने एक्साइटेड थी कि मैं पहली दफ़ा शवारमा बनाऊंगी, तो वीडियो शूट करूंगी, ये वो फलां फलां फलां, लेकिन इस लाइट ने ना सब ख़राब कर दिया सब। और मुझे इतनी भूख लग रही है और गैस एक एक नुक्ता भी नहीं आ रही। हालांकि इतना कोई ख़ास काम नहीं गैस का, सिर्फ वो ब्रेड, पीटा ब्रेड को सिर्फ हमने जस्ट सेकना है थोड़ा सा और चिकन गरम करनी है बस, लेकिन गैस नहीं है और लाइट भी नहीं है। टू मच गुस्सा आ रहा है मुझे, टू मच। खैर, अभी तो हमने ये 1 बिस्किट पड़ा था ओरियो का, उससे गुजारा किया है, और ये निम्को से, क्योंकि भूख लग रही थी भाई, क्या करती। और रही बात बाज़ार की, तो बाज़ार से लाके देने वाला भी कोई नहीं है अभी, और ऑनलाइन ऑर्डर करें तो नेट नहीं है, मतलब हर तरफ से रास्ते बंद हैं। हालांकि मेरे पास घर में चीज़ें काफ़ी पड़ी होती हैं, लेकिन बात सारी वही है ना, थोड़ी बहुत गैस आए तो बंदा कुछ खाए भी, अंडे भी पड़े हैं, अंडा भी खा सकता है, आटा भी गूंदा हुआ है, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन क्या खाएँ कैसे, गैस ही नहीं है। बहुत बुरी हालत हो गई है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हम सबको इन मुश्किल परेशानियों से निकाल। वैसे हमारी लाइट नहीं जाती, लेकिन जिस दिन हम तारीफ़ कर दें ना, हमारे तरफ तो लाइट ही नहीं जाती, बस अगले दिन ही उसने ऐसे तमाशे दिखाने होते हैं। जी, तो फाइनली लाइट आ चुकी है और लाइट आई है 3 बजे,
मतलब इनफ बहुत ज़्यादा, जब हमने खाना बाज़ार से मंगा के खा लिया और मैं अपने ड्रेसिंग वगैरह टॉर्च लाइट में चेंज करके नमाज़ की तैयारी कर ली, तब लाइट आई है। फिर मैंने जल्दी से सफाई करी पहले और किचन साफ किया, आज को तैयार किया एंड देन नमाज़ पढ़ी, अब तस्बीह पढ़ी और हस्बैंड का वेट कर रही है ना। आज लाइट कितनी लंबी गई थी ना, बता दो, देखा बता रहा है आज। और आपने जूस पी लिया? जूस कैसे पीते हैं? ऐसे जूस पीते हैं, है ना। लाइट कितनी लंबी गई थी और आज लाइट गई भी थी ना, अपने बाबा की तरह गर्मी में भी सो रहा था। खैर मौसम बेहतर हो गया लेकिन हमारे इस कमरे में फिर भी गर्मी थोड़ी बहुत बेहतर मतलब फील होती है, और आज मज़े से सो रहे थे, है ना। तो आज कुछ वर्क करते हुए या कुछ भी काम करते हुए मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ज़ाहिर लाइट ही नहीं थी। कि कमरा सब साफ़ सुथरा कर लिया है, आज ये बहते हुए जे बाला बाला मुन्ना है मम्मा का, जे गुगू गुगू मुन्ना है चौदह चौदह, पापा कदू हाय करें, हाय हाय। सूरत हाल थी आज सारा दिन की और शौरमा तो वहीं रुक गया प्रोसेस, लेकिन इंशाल्लाह शाम में बनाऊंगी। और अब फिर लाइट आ गई तो इंशाल्लाह उजाला नहीं जाएगी, पूरी उम्मीद है। तो जो है शाम में फिर शौरमे के मज़े लेंगे, अभी तो पेट भर गया। इनकी सुन लें पहले। रात का टाइम हो चुका है और सब कामों से फ्री होके अब हम रात के डिनर पर आ गए हैं, और अब शौरमे का फाइनली रोते गाते टाइम आ गया है, क्योंकि सारा दिन तो टाइम नहीं था और शुक्र है कि गैस भी आ रही है। तो चलें शौरमे की रेसिपी बनाते हैं। उसका सॉस बनाना तो मैंने आपको दिखा दिया था, चिकन मैरिनेट भी, और मैं भी अगेन आपको दिखा, चिकन मैरिनेट ये है, सॉस ये रेडी, वेजीज ये रही, हीरा और ये है पीटर ब्रेड। थोड़े ज्यादा हमारे शौरमा ब्रेड शौरमा बन चुके हैं, इस तरह पैकिंग की है हस्बैंड ने, और जो लास्ट का था वो हमने आज के लिए मैरिनेट कर दिया। चलें अब खा के पूछते हैं कैसे बने। और ये देखें मेरे हस्बैंड शौरमा खाते हुए, सुने कैसा बना है। कोई बात नहीं, घर में सब ऐसे ही खाते हैं, बताएं रिव्यू प्लीज़। बहुत अच्छा। देखें आज अपने बाबा का मुँह साफ़ करते हैं, इतना अच्छा कि आप दोबारा ब्रेड लेने गए थे। पहले खा लें, आज बाबा को मुंह साफ करें यहाँ से। फाइनली असल वाला रिव्यू टाइम। पहले खा रहे थे ना इसलिए। हाँ जी, विद कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छे थे, मज़ा इतना आया कि मैं दोबारा पीटर ब्रेड लेके आया दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि वो कम थे इसलिए, तीन ही बने थे ना उसमें, मतलब मुनासिब ही थे वो, कम क्या बोलो कि पैकेट जितना था एक ही था, मैं दूसरा पैकेट लेके आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जूसी जूसी बाजार जैसे थे, से ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा। चलो थैंक यू, आज मेरी तरफ से शौरमा बाटी आपकी, थैंक यू, मज़ा आया। आज अच्छा जी, तो रूम सारा सेट कर लिया है, फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी जगह पर, रेगुलर जैसे मैं इस टाइम आती हूँ, और आज ना मेरे पाँव में बहुत ज़ोर से बेड का किनारा लग गया है, जिसकी वजह से ना मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह शौरमा सबको इतना पसंद आया, खासतौर पर हस्बैंड को, कि वो दोबारा उठ के गए और वो लेकर आए ब्रेड,
तो मैंने दोबारा से फिर उसका सॉस वगैरह बनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का। मैंने तो हर एक ही खाया, मेरा दिल नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और हस्बैंड ने खाया, आज ने थोड़ा बहुत खाया, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। और मेरी तरफ़ से आज इन लोगों की शवारमा पार्टी हो गई, फाइनली बन ही गया। और अब मैं अपनी जगह पर आ गई हूँ, पता नहीं क्यों थका थका था, जैसे मेरा जैसे कि ना टूटा टूटा बदन, वही दिन गोली खा रही थी, क्या पता बुखार जैसी कैफियत ना हो, क्योंकि आजकल बेमौसम बुखार चढ़ जाता है, हर मौसम हो भी रहा है ऐसा। तो जो है मैं वो खा लेती हूँ गोली। और वैसे तो अभी टाइम हुआ है 9:30, तो अभी अब थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाऊँगी, अपने इंस्टा को देखूँगी और अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करूँगी, देन फिर लास्ट में आपको दिखाऊँगी कि गुड नाइट करूँगी इंशाल्लाह। फाइनली टाइम हो गया है आपको खुदा हाफिज़ कहने का आज के ब्लॉग का, और मैं अपना ब्लॉग अब यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो जल्द आपको मिल सके। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही है, शायद आज जो है वो लाइट नहीं थी सारा दिन, तो कुछ उसकी भी थकन सी है, क्योंकि उसकी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। और बस काम वाम में भी थोड़ा बहुत करके थकन वो पाँव में, तो उसकी वजह से ना मैं लगी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं थका थका फील कर रही हूँ। तो मैं अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ ताकि मैं भी अपना ब्लॉग एडिट कर सकूँ, और इंशाल्लाह मैं अभी ही एडिट करके प्रीमियर लगा के डाल दूँगी, क्योंकि सुबह फिर लाइट का इशू हो, कोई मसला हो, व्लॉग बहुत देर से डले तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो चले मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ की रील्स इंजॉय करें। आजकल रील्स नहीं डाल पा रही हूँ, कम डाल रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंटिन्यू करूँगी।